किसी को अगर कोई सस्ती स्कॉर्पियो की लेने की बहुत ज़्यादा चुल है ना ये गाड़ी ले लीजिए मजे करोगे आप क्योंकि वैसे ऐसी बात होगी आप लेने चले थे टू बी के पर टू बी के, के प्राइस के अंदर या उसी जो स्पेस के अंदर आपको थ्री बी के मिल गया है तो वैसे ही बात है इसके अंदर आपको अगर दिमाग से सोचता हूँ तो डेफिनेटली आई गो विद दिस एक्स यू वी थ्री हंड्रेड एज़ पर माई यूजेज पर अगर दिस नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू 48 एट ऑटोमोबाइल्स मैं आपको होस्ट रोहित अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाला हूँ एक ऐसा वीडियो है जो कि आपने बहुत ज्यादा कमेंट्स में पूछा है पता नहीं दोनों कार्स थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट लीग एंड सेगमेंट की है सेगमेंट नहीं पर लीग की है पर अच्छा कंपेरिजन हो रहा है आप लोगों ने पूछा है सो so डेफिनेटली हम करके दिखाएंगे आपको वो है एक्स यू वि बोरेलो नियो अब सबसे पहले हम दोनों कारों का फ्रंट का जो लुक है लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं अब लुक्स में भी काफ़ी अलग गाड़ियां हैं पर एक चीज़ जो कॉमन है इन दोनों की वो है दोनों सब फोर मीटर कार्स है तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है कि इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग एक जो कार है ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ के लिए रूरल एंड अर्बन दोनों यूज़ के लिए है एक जो ये कार है वो ज़्यादा एक मॉडर्न यूज़ के लिए है और ज़्यादा एक आप बोलते हैं अर्बन यूज़ वैसा है बट देन दोनों कारों का जो मिश्रण है बहुत ही अच्छा आएगा इस वीडियो में तो डेफिनेटली एंड तक जरूर देखेगा और हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं सबसे पहले इन दोनों के फ्रंट के लुक की बात कर लेते हैं अब हाँ एक और चीज ये जो है मिड वेरियंट है इसका ये है इसका बेस वेरेंट। तो वेरेंट के हिसाब से आप मत जाना आपको एक आइडिया दे दूंगा कि दोनों कारों में क्या अच्छा मिलता है क्या खराब मिलता है तो दैट इज वॉट यूल गेट टू नो अबाउट इट खराब इन द सेंस किसी में कुछ ज्यादा फीचर्स अच्छे है किसी में कुछ ज्यादा फीचर्स कम है तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं बोलेरो नियो का जो लुक है बहुत ही ट्रेडिशनल लुक है फ्रेंड्स से जो आता है आपको एकदम ही आपको लगेगा कि हाँ भाई एकदम ट्रू ए लुक आता है इसका सामने से अच्छे बड़े हेडलाइम्स मिलते हैं आपको वो भी एकदम कर्व्ड हेडलाइम्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है ग्रिल भी अगर आप देखते हो तो आपको पुरानी बोलेरो की डेफिनेटली याद दिला देगी टॉप एंड में आपको यहाँ पे क्रोम ग्रिल मिल जाता है तो उसका भी लुक काफ़ी अच्छा आता है बंपर भी अगर आप देखते हो तो बंपर जो है थोड़ा अच्छा दिया गया है एक शेप बम्पर दिया गया है इसके अंदर और यहां पे फॉग भी आप लगवा सकते हो और टॉप एंड में फॉग लैम्स भी आते हैं जो कि काफी अच्छे लगते हैं तो थोड़ा एक जो बोलते हैं ना मिश्रण ऑफ मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल इस कार में आपको मिल जाएगा अब जब आप इसकी एक्स यू की अगर आप बात करते हो एक, अब ये जो कार है एक्स्यू वि अगर इसका फ्रंट लुक देखते हो तो काफी एकदम मॉडर्न लुक आता है इसका फ्रंट से एकदम मस्त चीता जैसी लगती है चीता से इंस्पायर्ड है ये कार फ्रंट लुक से और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक है इसका तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना जो अर्बन लुक मिलता है वो मिल जाता है आपको इसकी ग्रिल काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पर आपको अगेन डी मिल जाता है टॉप एंड मॉडल्स के अंदर वो भी है इसके अंदर जो फ्रंट का हेडलाइट्स देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको हेडलाइट भी मिल जाता है काफ़ी बड़े हैं पर देन ये जो हेडलाइट्स है थोड़े रेक्टेंगुलर शेप में है जबकि आपको बोले में थोड़ा स्क्वायरिश शेप में मिलता है तो वो अगेन लाइक एस ए ट्रेडिशनल येसुवी का डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके अंदर फ्रंट से अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है ये कार बट डेफिनेटली बोलेरो जो नियो है इससे थोड़ी ज़्यादा वाइड लगती है अपने को एंड दैट इज हाउ इट इज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों कारों को एक साथ में एक फ्रेम में फ्रंट में ये थोड़ी छोटी लगती है एंड बोलेरो नियो इज रियली बिग वन कंपेयर इन फ्रंट ओके फ्रेंड्स अब इन दोनों गाड़ियों की साइड का लुक देख लेते हैं साइड से भी जो लुक है इसका काफी बल्कि आता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बल्कि कार एक्स यू थ्री हंड्रेड पर पता नहीं दोनों थ्री नाइन नाइन फाइव एम एम की है पर पता नहीं थोड़ी ये शायद छोटी लगती है आई डोंट नो थोड़ा ऐसा लगता है हमें बट इट इज नॉट क्योंकि ये जो गाड़ी है काफी लंबी लगती है क्योंकि अगर इसके अंदर आप देखते हो तो एक थर्ड रो एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है दैट इज वाई और दूसरी बात जो काफी अच्छी लगती है नियो के अंदर यहाँ पे आपको ये जो साइड बीडिंग दी गई है तो इससे क्या होता है कि जो बोलेरो जो फैमिली का जो एक अंश है वो लगता है कार डेफिनेटली वो तो है ही साथ में इसके अंदर साइड के अंदर आपको फुट स्टेप्स मिल जाते हैं टॉप एंड्स में भी तो उससे बहुत ही ज़्यादा रगेड एंड नीट लुक आता है अभी एक जो चीज़ है ये इसकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा है वेन कम्पेयर टू एक्स यू वी थ्री की हाइट कम है और यहाँ पर एक और जो अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको लास्ट में क्वार्टर ग्लास मिल जाता है जो कि खुलता भी है तो दीज आर ऑल द थिंग्स साइड में जो काफी अच्छी लगती है इस कार का जो लुक है बहुत ही बरकरार रखती है एक और जो चीज अच्छी है यहाँ पे अगर आप देखो देखो देखोग ऑफ व्हील आर्चर्स मिल जाता है इसके अंदर पर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स यूवी में थ्री हंड्रेड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको राउंड व्हील आर्चर्स मिल जाता है और इसकी जो हाइट है वो भी कम है तो याद यही है मेन साइड से डिफरेंसेस और बाकी तो आपको जो है ये ज्यादा मॉडर्न लगेगी ये कार साइड से दिखने के लिए मोर ट्रू एंड मॉडर्न एस है ये ये तो हो गई इन दोनों के साइड्स की बातें अब इन कारों के रेयर एंड के बारे में बात कर लेते हैं रेयर से अगर आप देखोगे तो अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक है दोनों गाड़ियों का यहाँ पे आपको अगेन अगेन लाइक अ ट्रेडिशनल लेस्यू जिसके अंदर आपको बैक में माउंटेड स्पेयर व्हील मिल जाता है बोलेरो का ब्रांडिंग मिल जाएगा यहाँ पे आपको बोलेरो नियो का ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाता है एंड इसका जो डोर है बैक डोर साइड ओपनिंग डोर मिल जाता है इसके अंदर सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट बट वेन यू सी ऑन रेगुलर एस यूवी थ्री डबल ओ इसके अंदर आपको एकदम रेगुलर कार का लुक मिल जाता है आपको ज्यादा ऐसे एस यूवी जैसे ऐसे बड़ी नहीं लगती है हाइट भी कम है इस कार की वैन कंपेयर टू दैट और आपको इसके अंदर एक छोटा सा अच्छा एक बूट स्पेस भी मिल जाता है एंड मोर ट्रेडिशनल ऊपर जैसे ओपन होता है वैसा बूट मिलता है इसके अंदर नेक्स्ट अगर आप इसके टेल लैम्प्स के बारे में बात करते हो तो टेल लैम्प्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इसको मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक जो लीफ जैसा डिज़ाइन बोलते हैं ना वैसा दिया गया है इस कार के अंदर एंड बम्पर भी आपको डुअल टोल में मिल जाएगा पर बोलेरो के अंदर आपको एकदम स्ट्रेट सी आपको टेल लैंप्स मिलती है जो कि एक नॉर्मल लगता है और जो बम्पर है वो आपको सिर्फ वाइट कलर में मिलेगा

इसके अंदर जो स्पेस का जो सेंस ऑफ स्पेस है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लंबी लगती है कार अंदर बैठने के बाद में भी एंड अगेन दूसरी जो अच्छी चीज़ है इसके जो फ्रंट में जो आपको स्पेस मिलेगा ड्राइवर्स एंड मतलब जो ड्राइवर का जो कैबिन जितना जगह दिया गया है बहुत ही अच्छा दिया गया है हाँ जो प्लास्टिक का जो क्वालिटी है शायद थोड़ा इतना ओके okay ओके -okay है थोड़ा हार्ड लगता है आपको और बाकी जो बेसिक इंटीरियर है बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा है आपको अगर आप देखते हो एकदम नॉर्मल सा बेसिक सा इंटीरियर मिल जाता है वो फीचर्स भी है जो कम मिलते हैं इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार्प्ले नहीं मिलेगा इस कार के अंदर बट वेन यू सी इन एक्स यू आपको उसके अंदर डेफिनेटली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार्प्ले मिल जाता है तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत कम है इसके अंदर फीचर्स एंड दिस कार इज मोर टूवर्ड्स लाइक आई सेड जो रूरल एरियाज़ है सेमी अर्बन एरिया है और जो पूरे गांव देहात में है वहाँ पर टफ एंड रगेड एस चाहिए उसके लिए है वहाँ पर फीचर्स का ज़्यादा बोलबाला नहीं होता है वहाँ पर मेन होता है चार्स वगैरह जो इसके अंदर आपको मिलती है लैडर ऑन फ्रेम चार्सिस एंड दिस इज़ नॉर्मल मोनाकॉक एस जो कि आपको एस यू है अब एक्स्यू वी थ्री हंड्रेड का फ्रंट का जो है लुक देख लीजिए अगेन ये बहुत ही ज़्यादा पॉश कैबिन फील होता है बहुत ही अप मार्केट फील हो रहा है इस कार के अंदर और क्वालिटी भी जो है अंदर टच एंड फील काफ़ी अच्छा है और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अच्छा आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब मिल जाता है एंड अगेन दिस कम्स विद द टॉप एंड कम्स विद द एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले और आपको बाकी जितने भी चाहिए सनरोफ वगैरह चाहिए सनरोफ भी मिल जाता है इस कार के अंदर सो so, या yeah, ये एक जो है बेसिक डिफ्रेंस है ही इस कार का एंड अगर आप देखोगे इसका सेकेंड रो की बात कर लेते हैं सेकेंड रो में अभी अब एक्स यू के सेकेंड रो में आ चुके हैं हम लोग एक्स यू का जो सेकंड रो है काफी अच्छा है काफी बड़ा है तीन लोग बड़े ही आराम से बैठ जाते हैं आप भी बहुत कंफर्टेबली बैठते हो इस कार के अंदर और आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया द बेस्ट एंड मोस्ट सेफेस्ट कार तो उस चीज में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा इस कार के अंदर और पीछे से भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा लुक दिया गया है डोर का भी एंड एवरीथिंग इज रियली गुड टू टच एंड फील तो ये जो है डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम अप मार्केट कार में बैठे हो इस कार के अंदर एंड दिस इज़ मोर लाइक ए सेड मॉडर्न एस अब बोलेरो नियो के सेकेंड रो में आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा आपको पता चलता है कि हाँ कि इट इज़ नॉट दैट अप टू द लाइन अप टू द मार्क इसमें आपको बैठने का बार थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क प्रीमियम एस बट देन इट इज़ अ यूटिलिटी एसी इसके अंदर भी तीन लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है पर एक ही जो चीज़ है क्योंकि ये यहाँ पे इसके अंदर आपको तीन रो दिए गए हैं तो मिडिल रो में थोड़ा स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है व्हेन कंपेयर्ड विथ एक्सी वी थ्री हंड्रेड एक्स यू में जो ला ये जो रो है पीछे का उसमें काफ़ी अच्छी आपको नी रूम्स मिल जाती है इसके अंदर मिलती है बट ओके ओके मिलती है इट इज़ नॉट वेरी गुड बट देन हेड रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है एक और चीज़ बोलता हूँ अब किसी को अगर कोई सस्ती स्कॉर्पियो की लेने की बहुत ज़्यादा चुल है ना ये गाड़ी ले लीजिए मज़े करोगे आप क्योंकि वैसे ही आपको सेटिंग मिलता है इसके अंदर एंड डेफिनेटली दिस फील्स लाइक वेरी गुड टॉल बॉय ए जो बोलते हैं ना वैसा ही है ट्रेडिशनल ए एंड लेडर ऑन फेम फ्रेम भी है ये तो उस हिसाब से रियली really गुड और अभी एक चीज़ इसका जो चांसेस है इट इज़ टेकन फ्रॉम स्कॉर्पियो एंड थार तो वो चीज़ भी आपको ज़रूर मिलेगी इस कार के अंदर और वो बॉडी रोल का मज़ा ही अलग है अगर आप ए सी में बैठते हो तो अब भाई सबसे बड़ी डिफरेंस ये है थर्ड रो सीटिंग जो कि आपको इस कार में मिल जाता है किसी ना किसी करके दे ही दिया है जो कि काफी अच्छी बात है अब तो ये ऐसी बात होगी आप लेने चले थे टू बी के पर टू बी के, के प्राइस के अंदर या उसी जो स्पेस के अंदर आपको थ्री बी के मिल गया है तो वैसे ही बात है इसके अंदर आपको तीसरा रो भी मिल जाता है बैठने का बट देन दो जम्प सीट्स है इट इज गुड फॉर चिल्ड्रेन एंड एवरेज साइज अडल्ट और ये एक अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी मिल जाता है इस कार के अंदर तो इसका जो यूटिलिटी है यूटिलिटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वैन कम्पेयर टू नॉर्मल एक्स यू वी थ्री में एक और चीज़ है कि उसका अगर आपको दिखाया था मैंने पहले जो बूट स्पेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है वैन कम्पेयर टू दिस कार सो या दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस अब दोनों गाड़ियों का सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इंजन ऑप्शन नियो के अंदर बड़े और नियोग में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा दैट इज डीजल का 1.5 लीटर दिस इज अ वेरी गुड इंजन काफ़ी दिनों से थ्री सिलेंडर का आता है आ रहा है अगेन इट इज़ एमहा इंजन तो ये एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा बट देन वेन यू सी इन एक्स यू वि थ्री हंड्रेड यहाँ पर गेम बदल जाता है इसके अंदर आपको दो मिलेंगे इंजन ऑप्शन एक है पेट्रोल एंड देन सेकेंड इज डीजल लाइक आई सेड इसके अंदर वन पॉइंट टू लीटर का पेट्रोल मिल जाता है विथ टर्बो वो बहुत अच्छी बात है अगेन दैट इज थ्री सिलेंडर तो या दैट इज़ द बिगेस्ट एंड बेसिक डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के बीच में अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो नियो में नहीं जा सकते हो आप यू विल हैव टू पिक दिस वन नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के अंदर है वो है ट्रांसमिशन आपको जो बोलेरो नियो जो है उसके अंदर सिर्फ मैनुअल मिलेगा बट देन एक्स यू वी में आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है वो भी डीजल एंड पेट्रोल में दोनों में ऑटोमेटिक मिलेगा इसके अंदर दैट इज़ अ बिग 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 थप क्योंकि आपको पता होगा टी यू भी थ्री हंड्रेड हुआ करती थी एक्स uh, बोलेरो नियो के पहले जिसके अंदर आपको ए एम टी ऑप्शन भी मिल जाता था पर आज की तारीख में नियो में नहीं मिलता है वो लेटर ऑन शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं बट देन एज ऑफ टूडे इफ़ यू वॉन्ट ऑटोमेटिक कार आपको नहीं मिलने वाला है नियो के अंदर उसके लिए आपको इस कार में ही जाना पड़ेगा ओके दोस्तों अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा जो मुझे हमेशा पूछते हैं लोग जब जो भी कंपैरिजन वीडियो करता हूं उसके अंदर अगर मेरे पास अगर आज इतने पैसे होते तो तो मैं कौन सी कार लेना पसंद करता अब देखो प्राइजिंग का जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है इसके अंदर आपको फीचर्स के हिसाब से सही प्राइजिंग मिल जाती है बट एक्सी थ्री में आपको थोड़ा प्राइजिंग भी ज़्यादा देना पड़ता है पर उस हिसाब से फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं तो प्राइजिंग का तो थोड़ा बहुत झोल है इन दोनों कारों के बीच में बट देन बेसिकली अगर मुझे लेना चाहे अगर अगर मैं लेना चाहता था बींग इन बैंगलोर और जिस हिसाब का मेरा यूज है डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन फॉर एक्स यू नो डाउट्स इन दैट उसमें कोई आई हैव नो डाउट्स इन दैट एट ऑल बट देन अगर मेरा जो यूज़ होता ज़्यादा ऑफ यूज़ होता या ज़्यादा थोड़ा बाहर रूरल एडवेंचरस अगर रहता था तो डेफिनेटली इस कार का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि इसका जो बॉडी ऑन फ्रेम चांसेस और फिर uh, जो रेयर व्हील ड्राइव जो कि इस कार में मिलता है और जो मजा आता है कार चलाने का उसमें तो आपको जो हैंडलिंग मिलेगी वगैरह जो है ये कार की कोई आपको बरोबरी नहीं कर सकता है आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मिनी स्कॉर्पियो बोलते हैं ना वैसा ही है

तो डेफिनेटली आई एल गो विद दिस एक्स यू थ्री हंड्रेड एज पर माई यूजेज पर अगर दिल से सोचता हूँ दिल इस कार के ऊपर है क्योंकि ये एक जो है ट्रेडिशनल एस यू वी का जो मजा है ये गाड़ी डेफिनेटली देगी और साथ ही साथ सेवन सीटर है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है ये कार तो प्रैक्टिकल बिट्स अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से भी ये भी काफ़ी अच्छी है ओके गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू तो द बैंगलोर ऑडियंस अगर आपके कार देखनी है खरीदनी है इफ यू टू कम एंड हैव लुक एट दिस कार यू कैन, यू कैन कम डाउन टू वी एस टी ग्रुप का इंडिया गैरेज महिंद्रा मोटर्स एंड वन मोर थिंग बैंगलोर ऑडियंस एंड कर्नाटक का ऑडियंस वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल इन कर्नाटक कॉल्ड फोर्टी एट ऑटोमोबाइल कन्नडा So, please definitely like, share, comment, and subscribe. Do check out that channel as well. I will give that link in the description box below so that you can see the Kannada content. It is a new uh, channel that we have started, but then do definitely show us your love and support in that. Why I am telling this part in English is so that uh, you guys can understand totally. Uh, that is why I am just uh, telling you out in English and definitely do check that channel out currently it is a very new channel only two uh, videos i have put but then later on i will be increasing the footfall over there and definitely if you like that channel as well and uh, do check it out yeah until the next video drive safe be safe be responsible peace bye Jai bharat